सात मर्दों के साथ संबंध, एक ऐसी परंपरा जहां औरतों को सात मर्दों के साथ करना होता है वो सब, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, लेकिन इससे पहले नीचे दिए गए लाल रंग के बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस दुनिया में अलग अलग देशों के अपने अलग अलग परंपरा देखने को मिलती है, लेकिन इन परंपराओं के बीच कुछ रीति रिवाज भी ऐसे हैं जिसकी वजह से समाज में भी गंदगी फैलती जा रही है। और उन परंपराओं में से एक परंपरा ऐसी भी है जिसमें एक औरत सात अनजान मर्दों के साथ संबंध बनाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपको जानकर और भी हैरानी होगी जब आपको ये पता चलेगा कि ये सब काम वो अपने पति और परिवार के इजाजत के साथ करती है। मगर ऐसा महिलाएं क्यों करती है, ये जानकर आप और भी ज्यादा हैरान हो जाओगे। आपको बता दें कि इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हर साल पोरन नाम का एक त्योहार मनाया जाता है और ये त्योहार वर्षों से चलता आ रहा है और बाली द्वीप के सभी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। इस त्योहार की खास बात यह है कि इस त्योहार के दौरान महिलाएं अनजान शख्स के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं। इस त्योहार के दिन अगर कोई भी महिला अनजान मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उन दोनों की मनचाही मुराद पूरी हो जाती है। और इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहता है। यह त्योहार वर्ष में एक या दो बार नहीं बल्कि सात बार मनाया जाता है। इस परंपरा और रीति रिवाज के दौरान महिलाओं को हर बार एक नए अजनबी साथी को खोजना पड़ता है और इसके साथ संबंध बनाना पड़ता है। आपको बता दें कि इस त्योहार को मनाने के पीछे भी एक प्रचलित कहानी है। इंडोनेशिया के एक युवा राजा का अपनी सौतेली माँ के साथ अफेयर था, जहां संभोग करने के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। गुमू के मून केस के माउंटेन के टॉप पर उन्हें दफना दिया गया था और तब से ही ऐसा माना जाता है कि जो कोई माउंटेन के टॉप पर संभोग करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस त्योहार के नियम के अनुसार जो भी पुरुष महिला के साथ संबंध बनाता है तो उसे उस महिला को $10 देने होते हैं। आपको बता दें कि यहाँ बड़ी संख्या में वैश्याएं भी पहुंचती हैं। कई बार तो कुछ लोग यौन रोगों की चपेट में भी आ जाते हैं और बताया जाता है कि यौन संबंध बनाने से यहाँ के लोगों ने अपनी जिंदगी में कई चमत्कार देखे हैं और यही वजह है कि इंडोनेशिया में ये त्योहार अब भी जोश और जुनून के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस परंपरा पर रोक लगानी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी जानकारियां लाते रहें। धन्यवाद।